हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा जागरण न्यूज़पेपर में एक न्यूज प्रकाशित की गई है आज 2 अप्रैल 2018 को। तो दोस्तों, उस में क्या बताया है ये पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूं, और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको यहां पे क्लियर करूंगा जो आप बहुत सारे कमेंट करते थे इस बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी राजेश, स्वागत करता हूं इस वीडियो में और हमारे चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज टीवी देसी ताऊ। कैसे हो आप सभी दोस्तों? आज न्यूज़पेपर में एक न्यूज प्रकाशित की गई है, आपने शायद कैनाल पटवारी या ग्राम सचिव या सी या डी ग्रेड की कोई वैकेंसी फिलअप की हुई है, ऐसे 4,000 पोस्टों के आवेदन पीछे मांगे गए थे, उनका यदि आपने फार्म भरा है तो बताया गया है कि नए सिस्टम लागू कर दिए हैं। अब उस भर्ती में भी ये नए सिस्टम लागू होंगे। नए सिस्टम क्या है? आपका रिटन एग्जाम 90 नंबर का होगा और 10 नंबर आपको आर्थिक स्थिति के आधार पे, आपके घर में नौकरी है नहीं, इस चीज पे मिलेंगे। वो किस चीज पे मिलेंगे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जिन्होंने पहले फार्म भर रखे थे उनका जो फार्म है वो कैंसिल नहीं होगा और ना ही पिछली भर्ती रद्द हुई है, लेकिन बताया जा रहा कि नए फार्म भी निकाले जाएंगे तो नए कैंडिडेट भी इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने पहले फार्म भरा था उनकी एज ओवर हो चुकी है तो उन्होंने एज में छूट मिलेगी। फीस की बात की जाए, जिन्होंने पहले फार्म रखा है तो उन्हें फीस की भी छूट मिलेगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 10 नंबर आपको कैसे दिए जाएंगे। तो 10 नंबर आपको इसमें 4 भागों में बांट दिए हैं, 5-5 करके 4 श्रेणी बना दी गई है। तो पहले बता देता हूं आपको, जो पहली श्रेणी है, यदि परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, यानी कि चाहे आप रिटायर हो चुके हैं, आपके घर वाले, कोई भी आपके पेरेंट्स हैं या कोई अभी लगा हुआ है, तो आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे। यदि कोई नहीं लगा हुआ है गवर्नमेंट जॉब में आपके कोई भी, तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे हैं एक्सपीरियंस के, तो 1 साल का एक्सपीरियंस का आपको आधा नंबर दिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आपको 5 नंबर एक्सपीरियंस के मिल सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आपका 20 साल का है तो 10 नंबर मिल जाएंगे, नहीं, सिर्फ 5 नंबर मैक्सिमम आपको मिल सकते हैं एक्सपीरियंस की। उसके बाद है विधवा हैं आप या ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके माता, जो पेरेंट्स है, जो पिता है, वो 15 साल की उम्र होने से पहले जो फादर एक्सपायर हो चुके हैं, यानी बच्चे की उम्र 15 साल नहीं हुई थी उससे पहले फादर एक्सपायर हो गया, ऐसे कैंडिडेट आप, तो आपको 5 नंबर मिल सकते हैं। उसके बाद है ऐसी जाति जो ना तो अनुसूचित जाति के अंदर आती है ना ही पिछड़ा वर्ग के अंदर आती है, जैसे गुमंतु, अर्ध गुमंतु या सासी बोलते हैं आप, वो इसके अंदर 22 जाति ऐसी आती है जो ऐसी होती है, तो उनको भी 5 नंबर दिए जाएंगे ऐसे कैंडिडेट को, ठीक है। तो ये वैसे टोटल 5-5 करके 20 नंबर हो जाते हैं मेरे, लेकिन आपको नंबर 10 दे सकते हैं मैक्सिमम, केवल 2 ही श्रेणी का आप लाभ ले सकते हो, 10 नंबर आप मैक्सिमम उठा सकते हो यहां से। ये नहीं कि आप इस जाति से बिलोंग करते हो, आपके घर में नौकरी भी नहीं है, आप विधवा हो, तो आपको ये नहीं कि सारे नंबर मिल जाएंगे, सिर्फ आपको 10 नंबर मैक्सिमम मिल सकते हैं, क्लियर। उसके बाद में है यदि परिवार में, यानी 2 कैंडिडेट एक परिवार से फार्म भर रहे हैं तो 1 कैंडिडेट को ही इसका लाभ मिलेगा, ये नहीं कि हर कैंडिडेट को इसका लाभ दिया जाएगा, सिर्फ 1 कैंडिडेट को लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों आप शायद समझ गए होंगे, और ऐसा बता गया कि अप्रैल में नया संशोधन जारी कर दिया जाएगा, साइट पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा कि ये नए नए सिस्टम लागू होंगे, उसके बाद नए फार्म भी शायद स्टार्ट हो जाएंगे कुछ इसी महीने में हो सकता है, लेकिन पक्की तो नहीं कि कब स्टार्ट होंगे, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, अप्रैल का आइडिया यहाँ पे न्यूज पेपर में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, आगे जो भी अपडेट आएगी तो आपको जरूर दूंगा। यदि आप चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो अपने यहाँ तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान करे आपका दिन शुभ रहे।